अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में से चार या पांच शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये चार या पांच शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में इंतहा की दफ़ा आ चुके हैं। सबसे पहले तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी चीज़ की किस तरह करते हैं, कोई भी एलिमेंट आपको देगा। अपने नाइन्थ क्लास तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख चुके हैं, कुछ वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, कुछ चीज़ें नहीं यहाँ से सीखोगे। तो सबसे पहली बात, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन करने लगा हूँ। भैया इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है तरतीब। क्या मतलब? क्या करना जी, हमने इलेक्ट्रॉन को तरतीब देनी है। किस तरह देनी है? बढ़ती हुई एनर्जी के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करना है। ये डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल, इन वेरियस शेल एंड सब शेल, मुख्तलिफ शेल और सब शेल में अकॉर्डिंग के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, टू देयर इंक्रीजिंग बढ़ती हुई इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को बढ़ती हुई तरतीब के एनर्जी के हवाले से मुख्तलिफ शेल और सब शेल में तरतीब देने के अमल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब क्या मतलब है मुख्तलिफ शेल या सब शेल में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, बढ़ती हुई एनर्जी हम किस तरह निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ मैं एक नोट बनवा कुछ चीज़ें लिखाऊंगा या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेंगे। बेटे एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला 2n2। क्या है हमारे पास? 2n2। यही बात लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, एक शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला, टू एन स्क्वायर। और ये हम पढ़ चुके हैं, एन यहाँ बेसिकली नंबर ऑफ शेल है। 2n2 फार्मूला इस्तेमाल करके आप एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, सही है? तो अगर मैं देखा जाए तो हमारे पास ये मुख्तलिफ शेल्स हैं। पहले शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है, दूसरे शेल के लिए एन की वैल्यू 2 है, तीसरे शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है, सही है? हमारे पास शेल के लिए किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं और तीसरे में 18 और इससे बाहर वाले में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कैसे निकाले? हमने इस फार्मूले को यूज़ करके। तो ठीक है, ये बात होगी। अब इसके बाद एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, ये खुसूसन याद रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल इज 2। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है इन डिफरेंट सबशेल इज अकॉर्डिंग टू, ये होती है के मुताबिक, इज अकॉर्डिंग टू n plus l rule के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही होती है मुख्तलिफ सब शेल के अंदर। ये n प्लस l रूल है क्या बच्चे? ये दो अल्फाज हैं, n और l। n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, और एल है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। बेटा आप इस रूल को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम आगे जाके देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे ना तीन रूल्स को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, वो तीन रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास रूल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। आप इसके मुताबिक पता क्या कहते हैं, इसके मुताबिक यह है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप करोगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें रखोगे जिस शेल की या सब शेल की एनर्जी कम है, बाकी जो बचते हैं उसको बाहर वाले में लेके जाओगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिंपल सी बात यह थी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल आर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे बढ़ती हुई एनर्जी के हवाले से, इंक्रीजिंग एनर्जी। अब क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इंक्रीजिंग एनर्जी के हवाले से कुछ एक तरतीब बना रहा हूँ, इस तरतीब को याद रखिएगा, द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर इज, सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, फिर होती है 2s की, फिर उससे ज़्यादा होती है 2p की, फिर होती है 3s की, फिर से ज़्यादा होती है 3p की एंड सो ऑन। और ये कैसे निकला है वो भी चेक करेंगे, अभी सिर्फ आप इसको लिखते जाओ। इस बंदे ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सब शेल में रखोगे बढ़ती हुई एनर्जी के हवाले से, जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन रखोगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन रखोगे। यह था जी हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसके बाद सेकंड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इस बंदे ने क्या कहा, इस बंदे ने कहा कि देखो हमने अभी एक यहां बात लिखी है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस बंदे ने सिंपल सी बात कही कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक द स्पिन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट, टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी स्पिन हमेशा क्या होगी, इन सेम ऑर्बिटल इज ऑपोजिट। और ये हम प्रीवियस स्पिन क्वांटम नंबर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक की अगर स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरे की स्पिन ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो इस बंदे ने भी सेम बात कही कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रख रहे हो तो उनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज में होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। इसके एक और भी स्टेटमेंट है, इस बंदे की एक और भी स्टेटमेंट इसने बनाई, वो क्या थी, कहते इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, कहते ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है, फॉर टू इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन द सेम, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग
इन द सेम ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सेम वैल्यूज ऑफ फॉर क्वांटम नंबर फॉर क्वांटम नंबर। अब इस बात को समझिएगा, इस बंदे ने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में है, देखो मैं सपोज करता हूँ ये पहला शैल है ये दूसरा शैल है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो 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 और दो। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इधर देखो, यहाँ पे आपको पता है ये वाला शैल का नाम क्या है हमारे पास, इसे कहते हैं एल शैल। एल शैल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब शैल होते हैं दो, एक एस होता है और एक पी होता है। बच्चे ये वाले इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल को एक्सप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था और सब शेल को एक्सप्लेन करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर था। अब इस एक देखो ये सब शेल है, इस सब शेल में तीन ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जी। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या था, क्या था हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो। अब इस बंदे ने कहा था किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन है ना किसी एटम में, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर चारों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एक की वैल्यू कम अज कम चेंज होगी, वो किसकी होगी, स्पिन की। मतलब ये दो स्टेटमेंट अलग अलग थी, बाहर सेम गई इसने, ऊपर में गया था जी दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ऑर्बिट में मुख्तलिफ होगी, दूसरे में गई कि चार क्वांटम नंबर हैं, चारों क्वांटम नंबर की कभी भी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एक वैल्यू कम अज कम चेंज होगी, वो कौन सी होगी, जो कम अज कम चेंज होगी स्पिन क्वांटम नंबर की, वो किसकी है हमारे पास। और ये याद रखिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हर एक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में बहुत दफा आ चुके हैं, क्या हमारे पास पास्ट पेपर में बहुत दफा ये वाला क्वांटम नंबर्स आ चुके हैं। अच्छा अब ये वाली बात आ गई हमारे पास, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास यहाँ पे आ रही वो है हंट्स रूल, वो क्या हमारे पास हंट्स रूल। अब हंट्स रूल भी बहुत बहुत बहुत, ये तीनों के तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब हंट्स रूल ने क्या कहा, इसने कहा कि इफ डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर डी जनरेट ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है, देन जो डी जनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी दो से ज्यादा है, टू इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल, सेपरेट आप अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन, सेम स्पिन रादर देन सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। भले यहां पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसी हो, इसको डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं।
मसलन मैं कार्बन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s में 2 डालो, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2px। अभी मैं समझा रहा किस तरह करता है, सिर्फ मिसाल लिख रहा हूँ, 2py और 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह इसकी एग्जांपल में आएगा। चलो जी, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और अब आपके तीनों के तीनों रूल समझेंगे कि ये तीनों के तीनों रूल ने क्या कहा, क्या बात कही है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बच्चे एक डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी और ये डायग्राम आपको बेसिकली बताएगी बढ़ती हुई एनर्जी कि कम एनर्जी किसकी है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सही है। तो ये बेसिकली आपने शायद 9th क्लास बनानी सीखी हो, तो यहाँ पर आपने पहले लिखना 1, 2, 3, 4, तो करीब करीब करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह मैनेज हो जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कर लो। यहाँ फिर आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड 7, फिर आ जाएगा हमारे पास 4, 5, 6 एंड 7। पहले वालों के साथ आप सबके साथ क्या करोगे, एस 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 और एस रखोगे, दूसरे वालों के साथ पी पी पी, सबके साथ पी रखोगे, तीसरे वालों के सबके साथ आप डी रखोगे और लास्ट वाले में सबके साथ एफ रखोगे। इसके बाद लाइनें लगाते वक्त आपने खुशन एहतियात करनी है, लाइन आप लगाने किस तरह है, कुछ इस तरह, पहले वाले को अकेला रखना है, दूसरे वाले को अकेला, तीसरे वाले को इस तरह आपस में जोड़ते जाना है, ठीक है। ले जी, ये वाला काम हो गया। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्टार्ट करना है यहाँ से, नीचे की तरफ, सब में आपने नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ आप जाओगे, सही है। तो ये एक छोटे से डायग्राम बना लो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब मैं कुछ बातें और भी बता दूँ, बच्चे एस सब शेल का ऑर्बिटल होता है एक ही, एस पी के होते हैं 3, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जी, डी के होते हैं 5, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। कम से कम आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सही है। तो अब हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे। चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं, पहले मैं करूँगा हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। आपके पास जो भी एटॉमिक नंबर होगा आपने उसी के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, भाई आपने स्टार्ट करना यहाँ से, यहाँ स्टार्ट करोगे नीचे की तरफ जाओगे, जैसे ही नीचे लाइन ख़त्म हो जाएगी फिर शुरू से आओगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाना, ऊपर से नीचे की तरफ है, ये एक सिंपल सी बात आपने अपने जहन में रखनी है। स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, तो पहले हमारे पास क्या है 1s, s के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली एक। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद को भी बेसिकली ज़ाहिर कर रहा था, क्योंकि एटम बेसिकली होता है न्यूट्रल, एटॉमिक नंबर ज़ाहिर करता है प्रोटॉन को, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन है एक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, तो यहाँ मैं एस के रखूँगा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आ दो सकते हैं क्योंकि अब मेरे पास है ये एक, तो मैं एक रख दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट मैं करने लगा हूँ कार्बन की कर लेते हैं, अब कार्बन की समझ आनी शुरू हो जाएगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सबसे पहले आप क्या करोगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे इस तरह, ये था जी ऑपोजिट स्पिन। आप कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह भी रख सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह भी रख सकते हैं, ये भी गलत है। एक ऊपर की तरफ बनाओगे, एक नीचे की तरफ बनाओगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ बनाने का मकसद ये होता है कि इनकी स्पिन क्या है हमारे पास ऑपोजिट है, स्पिन क्या है यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट। ये खसूसन बात अपने जहन में रखिएगा कि एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। इसके बाद हमारे पास देखो 1s खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है, फिर शुरू पे आओगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहां स्टार्ट करोगे नीचे की तरफ आओगे तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने हो गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भी रखने हैं। तो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 2s के बाद, आगे देखो कुछ भी नहीं आ रहा, नेक्स्ट फिर पीछे आओ क्या है हमारे पास 2p। आपने यहां पे 2p नहीं लिखना, p को खोल के लिखना है, पी एक्स, पी वाई और पी जी लिखना है आपने। तो हमारे पास क्या बनेगा 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py एंड 2pz। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 2,
आप करो तो दो इलेक्ट्रॉन इस तरह भी रख सकते हो, लेकिन ये गलत है। किस रूल के मुताबिक? इस रूल के मुताबिक अगर आपके पास इन तीन ऑर्बिटल को आप कहोगे ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, इस बंदे ने कहा अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल मौजूद हैं तो आप, और हमारे पास दो या दो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, देन इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन। आप सेम स्पिन के साथ मुख्तलिफ ऑर्बिटल में रखोगे बनिस्बत इसके कि आप एक ही ऑपोजिट स्पिन के साथ सेम ऑर्बिटल में रख दो। बस सिंपल बात कहूँ ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख के ऑर्बिटल को एक एक रखने, एक एक जब मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरा दूसरा रखना है। आपने दो इलेक्ट्रॉन उठा के डायरेक्टली एक के अंदर नहीं रख देना, ये गलत होगा। ये इस बंदे ने बात कही थी कि आप एक एक रखोगे लेकिन सेपरेट रखोगे। अब लोग चलो जी हमारे पास छः इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए, 2p(z) में कुछ भी नहीं जाएगा, उसको वैसे ही आपने लिख देना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने लगा हूँ सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो हमारे पास आएगा 1s में आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आ जाएगा 2s, 1s के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास 2s, 2s के बाद क्या है 2p, 2p को ओपन करके लिखो 2px, 2p y और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन पहले एक एक रखोगे, एक एक रखने के बाद आपने देखना है क्या इलेक्ट्रॉन बच गए, चेक करो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 11 कर रहे हैं, 7 भी हुए, 7 के बाद ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां। अब आपने डबल डबल किए हैं, पहले सिंगल सिंगल रखना है बाद में डबल में आना है। और नेक्स्ट क्या करना है, आप देखो 2p के बाद क्या आ रहा है, 2p के बाद आ रहा है हमारे पास 3s, 3s में आ जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, 1s स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1s के बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 2s, 2s के बाद हमारे पास नेक्स्ट है 2p, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2p x, 2p y, 2p z। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जो बच जाए तो डबल डबल। अब चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, 8 और 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे 10 के बाद हमारे पास अभी कितने बड़े, 7 पड़े हुए हैं। 2p के बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट 3s, 3s में 2 रखो कितने हो गए, 12, 5 पड़े हुए। 3s के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है पीछे की तरफ जाएंगे, 3p आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है हमारे पास 3s के बाद नेक्स्ट हमारे पास 3p को आप ओपन करके लो 3px, 3p y, 3p z। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, पहले सिंगल स्पिन के साथ रखोगे फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ रखोगे, लो जी 5 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। चेक करो 17 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। अब ये वाले जो हमने डायग्राम बना रखी है ना, ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी है। अब एक और बात याद रखना, n प्लस l रूल लिखा, मैं जब भी 2p लिखता हूँ ना, क्या लिखता हूँ 2p, तो ये जो पहले वाला होता है ये बेसिकली n होता है, और दूसरे वाला मैं बता रहा था l की वैल्यू, क्योंकि l की वैल्यू p के लिए हमेशा 1 होती है। और आपने पढ़ा हुआ है l की वैल्यू अगर 0 हो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 0 है तो वो s है, 1 है तो p है, 2 है तो d है, 3 है तो f है, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो ये सिंपल सिंपल बातें याद रखिएगा, कल को मज़ीद में इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही कर लें। कम से कम थोड़े बहुत रूल समझ लीजिएगा कि रूल्स के मुताबिक क्या, इस चीज़ को मैं कल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा मज़ीद, एन प्लस एल रूल क्या है। सही, आप यहाँ पर चेक कर लो, मैंने जितने भी ऑर्बिटल डाले सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।